मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जो चाहती है शिक्षा का निजीकरण उनका उद्देश्य है, क्योंकि यह सरकार एक बनियों की है और बनिया केवल खरीदने बेचने का काम कर रहा है। और हम लोग हॉस्टल यहाँ 5,000 स्टूडेंट के लिए नहीं है और हम लोग पढ़ते यहाँ 5,00,000 है, तो पहले हॉस्टल तो बना। हमारा ही जमीन आप DMRC को दे दिए और DMRC फिर उसको प्राइवेटाइजेशन कर देती है, क्यों भाई? हम यह बिल्डिंग नहीं होने देंगे और यदि इस बिल्डिंग का निर्माण होता है तो इसको डायनामाइट छुड़ा दिया जाए। मतलब हम ये सिंबॉलिक कैंडल मारते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर बहुत से गर्ल्स हॉस्टल हैं, जो 39 मंजिला बिल्डिंग बन रही है वो मतलब कुल मिलाकर छात्राओं के खिलाफ है, उनके प्राइवेसी के खिलाफ है। अगर 39 मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी तो ये आने वाले दिनों में मतलब एक तो लड़कियों के लिए परेशानी होगी, नंबर दो ये कल्चर हमारा विशिएट होगा, नंबर तीन ये DMRC जो है जिसने लैंड प्राइवेट दे दिया है, मतलब प्राइवेट यंग बिल्डर को। हम लोग यही चाहते हैं, हम भारत सरकार से, मोदी जी से और सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये दिया गया है यंग इंडिया बिल्डर्स को, ये इस अच्छा होगा कि ये यूनिवर्सिटी को सौंप दिया जाए और यूनिवर्सिटी को बिल्डिंग जमीन सौंप दिया जाए और इस पर शानदार हॉस्टल बनाया जाए जो छात्र हित के लिए अच्छा कदम होगा। और छात्र प्राइवेट बिल्डिंग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी कैंपस के इतने करीब, क्योंकि छात्र जो होते हैं देश और दुनिया से दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं, वो भी नॉर्थ कैंपस में। तो कोई स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि कल जो ये ज़मीन है वो किसी प्राइवेट बिल्डर को दे दिया जाए और ऐसे ऐसे लोग आके यहाँ गुंडागर्दी शुरू कर दे। और यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा, यूनिवर्सिटी के कल्चर के लिए खतरा है, यूनिवर्सिटी के प्राइवेसी के लिए खतरा है। तो हम प्राइवेसी अपनी जो स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि हम 39 मंजिला आप समझ सकते हो दिल्ली की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हो सकती है, तो उससे पूरा हमारा कैंपस बेकार हो जाएगा। और नंबर दो, ये कैंपस उसके सामने बिल्डिंग के सामने ढक जाएगा और एक स्लम सा दिखेगा, कैंपस जो होगा वो कैंपस नहीं रह जाएगा, जो हमारा वातावरण है जो सुंदरता है वो उस 39 मंजिला बिल्डिंग के नीचे ढक जाएगी। तो हम यही प्राइम मिनिस्टर से, जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यंग बिल्डर से ज़मीन छीन कर ये यूनिवर्सिटी को दी जाए और यूनिवर्सिटी इस पर शानदार हॉस्टल का निर्माण करे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, जिससे एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे। कि यहाँ पे जो प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको तुरंत बंद करें और हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन शुरू करें। हॉस्टल का कौन, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की जगह थी क्या? हाँ, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की लैंड है वैसे तो, ये DMRC को दी गई थी मेट्रो बनाने के लिए, उसके बाद उन्होंने इसे एक प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया जो यहाँ पे 40 माले का एक प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जो दिल्ली का शायद टॉलेस्ट बिल्डिंग होने वाला है। तो ये जब 40 माले की बिल्डिंग बनेगी तो इसके विसिनिटी में जो 6 विमेंस हॉस्टल हैं ये उन सबकी प्राइवेसी को ख़त्म कर देगी पूरी तरह से, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली बंद किया जाए और इतने बच्चों को जो अभी तक हॉस्टल नहीं मिला है उन सबको तुरंत हॉस्टल बनाया जाए। जब यहाँ यूनिवर्सिटी इनक्लेव में इतनी ज़मीन है तो यहाँ हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन हो, ना कि प्राइवेट बिल्डिंग का। आपसे पहले ये बात करें कि जिस तरीके से हम निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे वो रेलवे निजीकरण ले लो, कॉलेज का निजीकरण ले लो, तो इसमें क्या है कि सरकारें सक्षम नहीं करने के लिए तभी निजीकरण कर रही है। तो ये सरकार का फेलियर है ना, सरकार को करना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, क्यों 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 फेल हो रही है? आए दिन गवर्नमेंट एक चीज़ नहीं कर पा रही और हर एक चीज़ को प्राइवेट को दे दे रही है, निजीकरण कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का फेलियर। गवर्नमेंट फिर ना रहे, गवर्नमेंट किस बात की होती है? गवर्नमेंट इसलिए होती है ताकि वो सबको प्रोटेक्शन दे सके, जो भी राइट्स हैं लोगों के उनको प्रोवाइड कर सके। तो ये तो गवर्नमेंट का फेलियर हुआ कि अगर वो नहीं कर पा रही है तो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।